अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रियाल रेट फिर बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ओपन मार्केट में आज डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद रियाल का ट्रांसफर रेट भी बढ़ गया है। रियाल सेंड करने वालों और रियाल चेंज करने वालों के लिए आज शानदार मौका है। तो आज 27 दिसंबर 2022, तफसीलात में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक अब्बाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बिल के आइकन पर भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे आने वाली ताज़ा तरीन वीडियोज मिलते रहें सबसे पहले। तो अब्बाई, वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज हम शुरुआत अल राजी बैंक से करेंगे। तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.78 रुपये का, इंडिया के लिए 21.71 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.13 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.05 रुपये का। अगर बात हो जाए वेस्टर्न यूनियन का, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.46 रुपये का, इंडिया के लिए 21.68 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.16 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.88 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एसटीसी पे के बारे में। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.28 रुपये का, इंडिया के लिए 21.58 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.02 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.89 रुपये। अगर हम बात करें इंजाज बैंक के बारे में, तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 59.16 रुपये का, इंडिया के लिए 21.72 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.16 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.02 रुपये। इसके अलावा बारी आती है एनसीबी क्विक पे का। तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 58.62 रुपये का, इंडिया के लिए 21.50 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.05 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.65 रुपये। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूर पे ऐप के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो यूर पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.31 रुपये का, इंडिया के लिए 21.56 रुपये, बांग्लादेश के लिए 27.92 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.81 रुपये। अगर बात हो जाए एएनबी टेलीमनी का, तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.64 रुपये का, इंडिया के लिए 21.78 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.16 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.04 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.51 रुपये का, इंडिया के लिए 21.72 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.20 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.04 रुपये का। अगर हम बात करें एक्सप्रेस मनी के बारे में, तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.52 रुपये का, इंडिया के लिए 21.72 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.19 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.91 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.27 रुपये का, इंडिया के लिए 21.61 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.20 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.83 रुपये। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मनीग्राम के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 59.51 रुपये का, इंडिया के लिए 21.61 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.21 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.04 रुपये। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 59।